फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मंथ बेस्ड. ये जो पजल है काफी छोटा पजल है और काफी इंटरेस्टिंग पजल है. चलिए हम लोग इसको देखते हैं. इस पजल में देखिए 7 पर्सन है. 7 पीपल पी क्यू आर एस टी यू एंड वी हैव अ डिफरेंट सेमिनार बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर इन 7 डिफरेंट मंथ्स नेमली जनवरी फेब्रुवरी मार्च जून अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर. ये 7 पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू एन वी और वो जो है 7 डिफरेंट मंथ्स के सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं और वो 7 पर्सन जो है वो 7 डिफरेंट फ्रूट्स को लाइक करते हैं और वो फ्रूट्स हैं बनाना ग्रेप्स पपाया ऑरेंज मैंगो लीची एंड एप्पल. इन 7 फ्रूट्स को वो लोग लाइक करते हैं बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी उनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है. उसके बाद हमारा ये पजल का पॉइंट दिया गया है, ठीक है. इसे हम लोग सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और उसके सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इनके क्लू होंगे उनको हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे जो है हमारे पास 7 मंथ्स है. ओके, 7 मंथ्स. जब भी आप मंथ्स बेस्ड पजल बनाइएगा, ठीक है, तो उसमें जो आप राइट डाउन कीजिएगा तो जनवरी से आप स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक जाएंगे. अगर हमारा 12 मंथ्स हुआ तो हम जनरली क्या करते हैं कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप जनवरी के बदले उनके डेज को लिखेंगे. जैसे जनवरी इज फॉर 31 डेज, फेब्रुवरी इज फॉर 28 डेज. अगेन मार्च जो है वो हमारा 31 डेज का होता है, तो अगर हम लोग 31, 28 और 31 लिखते हैं तो हमें ये ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए. ये प्रैक्टिस से होगा आपको कि ये जो 31 हम लोगों ने यहाँ लिखा है ये किस मंथ के लिए है, दिस इज फॉर मार्च. तो जब आप बेसिक्स, जब आप पजल स्टार्ट कर रहे हो तब आप ऐसा ट्राई नहीं करेंगे, तब आप जनवरी फरवरी का शॉर्ट फॉर्म में लिख के करेंगे. बट जब आप इसके, जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में ले आएंगे मंथ बेस्ड पजल को, तब आप उसे डेट वाइज, सॉरी मतलब मंथ वाइज जो 31, 30 है इस तरह से लिखेंगे. अभी मैं आपको वो दोनों चीज ही लिख के दिखा दूंगी. चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कुछ बिगनर्स भी होंगे जिन्हें ये पजल सीखना होगा, तो हम ये जो 7 मंथ्स है इसको लिखेंगे और उसे आप जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद हमारा है जून, ओके, उसके बाद है हमारा अगस्त और उसके बाद है हमारा अक्टूबर और उसके बाद हमारा है दिसंबर. ओके, ये हमारा 7 मंथ्स है. जब आप रेगुलर इसे प्रैक्टिस में ले आएंगे उसके बाद आप इसे इस तरह से ना लिख के लिखेंगे जनवरी इज फॉर 31 डेज, फेब्रुवरी इज 28 डेज, मार्च अगेन इज 31, जून इज फॉर 30 डेज, अगस्त अगेन 31, अक्टूबर भी 31 मंथ्स का होता है और हमारा दिसंबर भी कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है. यानी कि जब हम अगर इसको नहीं लिखते हैं और अगर हम सीधे सिर्फ इसको लिखते हैं तो हमें ये समझ जाना होगा कि ये जो 31 डेज हमने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, हम लोगों ने जनवरी के लिए लिखा है. चलिए, जब भी हम इस पजल को बनाए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज आएगा, तो उस पॉसिबिलिटीज के लिए हम लोग एक और ड्रॉ करेंगे. इसे मैं 31, 28 इज फॉर फरवरी, अगेन मार्च, दिस इज फॉर जून, दिस इज फॉर अगस्त, दिस इज फॉर अक्टूबर एंड दिस इज फॉर दिसंबर. इसे भी आप बोले तो हम यहाँ लिख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ओके सॉरी यहाँ अप्रैल नहीं, ये जून है, दिस इज फॉर जून, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड दिस इज फॉर दिसंबर. ये हम जब भी आप पजल बनाए तो पॉसिबिलिटी को लेके चलिए. उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं. आर हैज अ सेमिनार विच हैज लेस देन 31 डेज, यानी कि आर का जो सेमिनार है वो उस दिन उस मंथ में करता है जिस मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं, उनसे कम होते हैं. तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 मंथ है जहाँ पे वो 31 डेज से कम है. 2 जगह है तो फेब्रुवरी और जून है. तो चलिए एक जगह हम लोग आर को यहाँ पुट करते हैं जून, और ये जो हमारे सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें हम लोग आर को फेब के साथ पुट करते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट को देखिए, ओनली 2 पीपल हैव अ सेमिनार बिटवीन आर एंड एस. आर और एस के बीच सिर्फ 2 पर्सन है.
तो अगर हम लोग R को यहाँ रखें तो इस R और S, R और S के बीच 2% होनी चाहिए. तो R और S के बीच इधर भी से भी 2% हो सकते हैं, या फिर R और S के बीच इस तरह से भी 2% हो सकते हैं. हमें S का पोजीशन नहीं बताया गया है कि R S से नीचे है या फिर ऊपर. तो R का यहाँ पे ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दो केस हो जाएगा. R जो है यहाँ भी हो सकता है S, और S जो है यहाँ भी हो सकता है. अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो है S हमारा वो A के साथ आएगा, अगस्त में S आएगा. तो यहाँ हमने S की दो पॉसिबिलिटी को अगेन लिया, और यहाँ R के साथ ऊपर कोई स्पेस है नहीं तो नीचे पे S आ जाएगा. ये हमारा सेकेंड पॉइंट था. उसके बाद है द वन हु लाइक बनाना हैज अ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर S, यानी कि इमिडिएटली बिफोर S, S के पहले जो है क्या है वो बनाना है. तो S को देखिए, अगर S यहाँ है तो S के पहले तो बनाना आएगा नहीं, क्योंकि जनवरी जो है जनवरी के ऊपर कोई मंथ नहीं है हमारा. तो बनाना जो है कभी भी आएगा, तो हमारा अगर S हमारा यहाँ है तो बनाना हमारा अक्टूबर में आएगा. तो ये जो हमारा दो पॉसिबिलिटी S के लिए था, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है S के लिए, क्योंकि S के ऊपर कोई मंथ है नहीं. तो S की जब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है तो S हमारा कहाँ पुट होगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दिसंबर के पास, और इसके जस्ट ऊपर कौन होगा, बनाना. और ये जो हमारा सेकेंड पॉसिबिलिटी है उसमें S यहाँ है, उसके जस्ट ऊपर कौन होगा, बनाना. उसके बाद देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया है क्लियर, ठीक है. तो वन हु लाइक बनाना हैज अ सेमिनार इमिडिएटली बिफोर S, S के पहले वो बनाना है. उसके बाद है ओनली वन पर्सन हैज अ सेमिनार बिफोर द वन हु लाइक पपाया, यानी कि यहाँ क्या बोल रहा है कि सिर्फ एक पर्सन का सेमिनार है पपाया से पहले, यानी कि जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे पर्सन पपाया के बाद सेमिनार अपना कर रहे हैं एक्सेप्ट वन. यानी कि पपाया का पोजीशन हमें यहाँ से पता चल रहा है. क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए अगर हम लोग पपाया को यहाँ रखते हैं जनवरी में, तो जनवरी में रखते हैं तो उसके इमिडिएटली जो पहले एक पर्सन नहीं हो जा रहा है, तो पपाया हम लोगों का कहाँ रहेगा, फेब्रुवरी में. ओके, पपाया हम लोगों का फेब्रुवरी में रहेगा, वो इस पॉसिबिलिटी में भी पपाया फेब्रुवरी में रहेगा. इससे देखिए क्या होगा कि सारे के सारे पर्सन का जो सेमिनार है वो पपाया के बाद हो रहा है एक्सेप्ट जनवरी वाले पर्सन के अलावा. तो यहाँ तक का पॉइंट हमारा क्लियर है. उसके बाद है क्यू हैज अ सेमिनार इमिडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक पपाया, यानी क्यू का सेमिनार जो है वो पपाया पसंद करने वाले के इमिडिएटली इमिडिएट में है. तो क्यू हमारा कहाँ पुट हो जाएगा, मार्च में, पपाया के तुरंत बाद. तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी हमारा क्यू यही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद है ओनली थ्री पीपुल हैव अ सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मैंगो, यानी क्यू और मैंगो के बीच कितने पर्सन है, 3% है. तो क्यू हमारा यहाँ है. ओके, ऊपर से देखिए 3% तो है नहीं, तो डेफिनेटली वो नीचे से होगा. तो 1, 2, 3 ये जो हमारा लास्ट वन है ये किसके लिए हो जाएगा, इसको मैंगो पसंद करता है. ये हमारा फर्स्ट पॉसिबिलिटी था. सेकेंड पॉसिबिलिटी में भी वही पोजिशन बनेगी, क्यू अगर हमारा मार्च में है तो हमारा दिसंबर में कौन हो जाएगा, मैंगो. यहाँ तक का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है. उसके बाद है टी लाइक नाइदर मैंगो नॉर पपाया. अब जो टी है उसका पोजीशन हमें पता नहीं है, अब वो ना ही मैंगो पसंद करता है टी और ना ही पपाया. तो टी का दो पोजीशन जो है वो हमें समझ में आ गया कि टी यहाँ और टी यहाँ नहीं बैठेगा. यहाँ पे क्या है देखिए, ऑलरेडी पहले से पर्सन पुट है, यहाँ भी ऑलरेडी पहले से पर्सन पुट है. यहाँ पे एक पर्सन पुट है, यहाँ फेब के पास पर्सन हमें नहीं पता है. तो बताया है कि यहाँ पे टी नहीं बैठेगा. उसके बाद है पी हैज अ सेमिनार बिफोर इमिडिएटली बिफोर टी, यानी पी का सेमिनार जो है वो इमिडिएटली टी से पहले है.
पी का सेमिनार टी से पहले है, इमीडिएटली है, यानी कि पी और टी का पोजीशन जब भी होगा तो साथ में होगा, ठीक है। तो साथ में होने के लिए दो प्लेस वैकेंट होना जरूरी है। तो देखिए कहाँ कहाँ दो प्लेस है। तो अगर हमारा यहाँ दो प्लेस वैकेंट है तो यहाँ पी और टी हो नहीं सकता है, क्योंकि टी को हमेशा पी से नीचे होना चाहिए एंड पी डजंट लाइक पपाया। अगर टी पपाया लाइक नहीं करता है तो टी का पोजीशन यहाँ नहीं होगा, तब ये पी और टी को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, पी को हम लोग अगस्त में पुट करेंगे और टी को हम लोग अक्टूबर में पुट करेंगे। जब हम इस पॉसिबिलिटी में आते हैं तो देखिए यहाँ दो वैकेंट प्लेस कहीं भी नहीं है, ओके। या अच्छा यहाँ पे वैकेंट प्लेस है, ओके, ये हमारा वैकेंट प्लेस है यहाँ पे पी एंड टी। तो टी को हम लोग यहाँ भी पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टी जो है वो डजंट लाइक मैंगो। तो जब टी यहाँ पे पोजीशन नहीं पुट कर सकते हैं तो हमारा जो ये पॉसिबिलिटी है ये क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे आके हमारा ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता है और फिर सिर्फ हमारे पास ये एक टेबल बचता है और अब हम सिर्फ इसी टेबल पे कंसंट्रेट करेंगे। चलिए यहाँ तक हमारा हो गया है, उसके बाद है वी लाइक एप्पल। तो अब क्या है, देखिए अब V और एप्पल को एक साथ लिखना है, ठीक है, क्योंकि V जो है वो एप्पल लाइक करता है। तो हमारे पास सिर्फ दो पोजीशन यहाँ बचा है, V को हम लोग यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वो एप्पल पसंद करता है। तो V हमारा कहाँ हो जाएगा, जनवरी में। तो हम लोगों ने यहाँ एप्पल लिख दिया है। अब देखिए इनमें से ये सारा ही हमारा पर्सन जो है वो पुट हो गया है एक्सेप्ट यू। तो जब यू को, तो यू के लिए कौन सा प्लेस हो जाएगा, ये फरवरी का। अब यहाँ तीन प्लेस हमारा वैकेंट है। उसके बाद बोल रहा है द वन हु लाइक ग्रेप्स हैज अ सेमिनार इन द मंथ विच हैज लेस देन 31 डेज। अब बोल रहा है कि जो ग्रेप्स पसंद करते हैं वो उनका कौन सा मंथ है जिस मंथ में 31 डेज ना हो, यानी 31 से कम डेज हो, यानी कि 30 या फिर 28 डेज हो। तो 28 में हमारा ऑलरेडी पपाया पुट है, तो फिर हमारा सिर्फ एक बच जाता है 30, यानी कि जून। तो जून में क्या हो जाएगा, ग्रेप्स। जून में हमारा हो गया ग्रेप्स। और उसके बाद है द वन हु हैज अ सेमिनार इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज, यानी कि मार्च में जिनका सेमिनार है वो ऑरेंज लाइक नहीं करते हैं। तो हमारा ऑरेंज किस मंथ में हो जाएगा, अगस्त में। तो हम लोगों ने यहाँ अगस्त में ऑरेंज को पुट किया है और हमारा मार्च में तक क्या हो जाएगा, एक हमारा फ्रूट्स बचा हुआ है और वो फ्रूट्स है लीची। तो हमारा ये लीची हो जाएगा। तो ये हमारा काफी ही इजी पजल था जिसे आप 2 या 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा पजल सॉल्व हो गया है। अब चलिए हम इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज एस हैव अ सेमिनार। एस का सेमिनार कौन से मंथ में है, तो एस का सेमिनार दिसंबर मंथ में है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे, दिसंबर मंथ, ओके। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग हैव सेमिनार इन जनवरी एंड जून रिस्पेक्टिवली। जनवरी और जून में किनका किनका सेमिनार है, तो जनवरी में वी का, जून में आर का। तो वी और आर हमारा अगेन फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपुल हैव अ सेमिनार बिटवीन द मंथ वी एंड आर हैव सेमिनार, यानी कि वी और आर के बीच में कितने सेमिनार हुए हैं टोटल। तो वी हमारा देखिए जनवरी में है और जून में हमारा आर है, तो उनके बीच 2 सेमिनार हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स डज यू लाइक, यू को कौन से फ्रूट्स पसंद है। तो यू को देखिए कौन से फ्रूट्स पसंद है, पपाया। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है एज पर द गिवन अरेंजमेंट आर इज रिलेटेड टू बनाना एंड क्यू इज रिलेटेड टू ऑरेंज। मतलब आर जो है हमारा देखिए किससे रिलेट कर रहा है, बनाना से, यानी कि एक का गैप है आर और क्यू के बीच, ओके। आर जो है वो बनाना लाइक कर रहा है, तो आर और
बनाना के बीच एक मंथ या पर्सन या फ्रूट्स कुछ का भी गैप आप मान सकते हैं का गैप है. अगेन देखिए क्यू इज रिलेटेड टू ऑरेंज, क्यू जो है वो ऑरेंज, इनके बीच भी एक पर्सन का गैप है. तो हमसे पूछ रहा है कि कुछ ऐसा ही जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वी रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम पैटर्न. वी का रिलेशन किसके साथ निकलेगा, तो वी के एक पर्सन के बाद कौन है, लीची. वी के एक पर्सन के बाद लीची है तो हमारा आंसर हो जाएगा लीची, यानी ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा. आपने इस पजल को एंजॉय किया होगा. थैंक यू.